नमस्कार दोस्तों, जानिए कैसे में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। अगर आपने हमारा चैनल जानिए कैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक नोटिफिकेशन बेल होगी, उस पर आप क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। आज मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ वो है, जानिए क्यों नहीं खाते पंडित प्याज और लहसुन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग धार्मिक मान्यताओं के चलते लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हैं, पर लोगों को इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों का नहीं पता होता। आइए आज हम आपको इसके पीछे छुपे वैज्ञानिक कारण बताते हैं। पहला, ब्राह्मण नहीं खाते प्याज और लहसुन। दोस्तों, ब्राह्मण अक्सर प्याज और लहसुन आदि से परहेज करते देखे जा सकते हैं। इस संबंध में लोगों के अलग अलग मत और कारण हैं। कुछ लोग प्याज और लहसुन का सेवन धार्मिक मान्यताओं के चलते नहीं करते हैं, तो कुछ इसके पीछे वैज्ञानिक कारण बताते हैं। चलिए आज इससे जुड़े सभी पहलुओं का जानने की कोशिश करते हैं। खाद्य वर्गीकरण के अनुसार, दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार खाद्य पदार्थों को तीन श्रेणी में बांटा जा सकता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अतः क्रमश अच्छाई, जुनून और अज्ञान वाले खाद्य, ये दरअसल मानसिक स्थितियां हैं जिन्हें निम्न प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पहला, सत्वा, मतलब शांति, संयम, पवित्रता और मन की शांति जैसे गुण। राजस, मतलब जुनून और खुशी जैसे गुण। तामस, मतलब क्रोध, जुनून, अहंकार और विनाश जैसे गुण। दोस्तों, प्याज और लहसुन तथा अन्य एलिशियस पौधों को राजसिक और तामसिक रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका मतलब ये जुनून और अज्ञानता में वृद्धि करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। किसी भी मदद अथवा सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल जानिए कैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में दिए गए गोलाकार लोगो पर आप क्लिक करके हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।